तो आप सबका स्वागत है फिर से हमारे चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं कि आप अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर से या लैपटॉप से कैसे अपने प्लेस्टेशन में गेम को डाल सकते हैं और रन कर सकते हैं। तो इसका सिंपल सा प्रोसेस है, मैं आपको बता देता हूँ। इसमें दो चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है, एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर USB यूटिल नाम का और PS2 की एक गेम फाइल। तो सबसे पहले हम अपने सॉफ्टवेयर को कैसे डाउनलोड करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। स्क्रीन पे आपको फोटोज़ दिखती रहेगी, वैसा ही प्रोसेस आपको फॉलो करना है। सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और गूगल सर्च में आपको सर्च करना है USB यूटिल PS2 डाउनलोड। जो पहला आपको लिंक मिलेगा वहाँ उसे क्लिक करने के बाद आप नीचे आएंगे, वहाँ पे आपको वो USB यूटिल सॉफ्टवेयर दिख जाएगा। उस पर क्लिक करते ही आपका डाउनलोड शुरू हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद आपको उसको अपने डेस्कटॉप में एक्सट्रैक्ट कर लेना है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको एक गेम डाउनलोड कर लेनी है, जो गेम आपको चलानी है अपने प्लेस्टेशन में। तो गेम कैसे डाउनलोड करते हैं मैंने आपको बता रखा है, फिर भी जो हमारे चैनल से नए जुड़े हैं मैं बता देना चाहता हूँ गेम आपको कैसे डाउनलोड करनी है। सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है, वहाँ पे सर्च करना है कूल रोम PS2। इतना सर्च करने के बाद जो लिंक आपके सामने ओपन होगा उस पर क्लिक करना है और PS2 की पूरी गेम लिस्ट आपके पास आ जाएगी। वहाँ से आप अपनी कोई भी गेम पसंद करिए और उसे डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद जैसे हमने USB यूटिल को एक्सट्रैक्ट किया था, वैसे ही आपको इस गेम को भी एक्सट्रैक्ट कर लेना है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद एक ISO फाइल क्रिएट हो जाएगी। मैंने दोनों चीज़ें कर रखी है, मैं आपको दिखा देता हूँ स्क्रीन पे। सबसे पहले मैं आपको USB यूटिल दिखा देता हूँ। डाउनलोड होने के बाद, एक्सट्रैक्ट होने के बाद वो कैसा दिखता है। एक्सट्रैक्ट होने के बाद ये रहा, हमने USB यूटिल को यहाँ डाउनलोड कर रखा है। ये रहा हमारा USB यूटिल सॉफ्टवेयर, और डाउनलोड होने के बाद कुछ इस तरह का दिखेगा आपको USB यूटिल एक्सट्रैक्ट होने के बाद। एक्सट्रैक्ट होने के बाद ये आपका सॉफ्टवेयर ओपन हो जाता है, और जो गेम आपने डाउनलोड की है उसे भी एक्सट्रैक्ट कर लेना है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपके पास गेम की भी ऐसे ही फोल्डर्स बन जाती हैं, जैसे कि ये रही गॉड ऑफ वॉर, ISIS 2, ओनिमुशा 3, ये सब गेम फाइल्स हैं जो मैंने डाउनलोड कर रखी हैं और एक्सट्रैक्ट कर रखी हैं, वो सब फाइलें हैं ये। तो इसमें से मैं आपके पास एक फ़ाइल दिखाना चाहूँगा, डाउनलोड में MotoGP। हम इस गेम को डालेंगे और ये गेम चलती है कि नहीं हम देखते हैं। ओके, अब अगला प्रोसेस होगा हमारा गेम ट्रांसफ़र का। गेम ट्रांसफ़र कैसे करना है, सबसे पहले हमको अपना सॉफ्टवेयर ओपन करना है USB यूटिल। USB यूटिल जब आप ओपन करेंगे, मैं 1 मिनट, PS2 गेम्स, ओके PS2 गेम्स में मेरे पास गेम्स पड़ी हैं जो मैंने डाउनलोड कर रखी हैं और मैंने उन्हें एक्सट्रैक्ट भी नहीं किया है। तो मैं आपको एक्सट्रैक्ट करने का स्टेप भी बता ही देता हूँ कैसे आपको करना है। ये गेम है रेड डेड रिवॉल्वर, रेड डेड रिवॉल्वर गेम है PS2 की। इस पर जब आप डबल क्लिक करेंगे तो ये एक्सट्रैक्ट होने को आ जाएगा। हालांकि मैंने पहले एक्सट्रैक्ट कर रखा है इसको, यहाँ पे ये आप देख रहे हैं, ये मैंने एक्सट्रैक्ट कर रखा है, तो मैं एक्सट्रैक्ट नहीं करूँगा। सिंपल सा प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ एक्सट्रैक्ट कैसे होता है। जब आप उस पर डबल क्लिक करेंगे तो इस तरह का एक्सट्रैक्शन खुल के आ जाएगा। ये जो एक्सट्रैक्शन लिखा है आपको इस पर क्लिक कर देना है, आपकी फ़ाइल एक्सट्रैक्ट होने लगेगी। तो मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया है, मैं इसे दोबारा एक्सट्रैक्ट नहीं करूँगा। तो चलते हैं अब अपने गेम प्रोसेस पे, इसको डालना कैसे है। तो सबसे पहले मुझे पता है मेरी फ़ाइल जो है डी में एक्सट्रैक्ट होके पड़ी है। जो स्टोरेज हमारा न्यू वॉल्यूम डी है, वो हमारा इसमें गेम्स एक्सट्रैक्ट होके पड़ी हैं। बहुत सारी गेमें हैं, बैन 10 है, ग्रैंड थेफ्ट ऑटो है, इनक्रेडिबल हल्क, रेड डेड रिवॉल्वर, और भी बहुत सारी गेमें मैंने डाल रखी हैं। तो मैं आपको सिंपल, अब जो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ उसे आपको पॉइंट टू पॉइंट नोट करना है, क्योंकि यहीं से हमारी गेम असली काम शुरू होता है। सबसे पहले डाउनलोड में जाना है आपको, यहाँ पे ओपन कर लेना है USB यूटिल जो आपने एक्सट्रैक्ट की है फाइल इस तरह की। इसे ओपन करने के बाद आपका सॉफ्टवेयर ओपन हो जाता है। सॉफ्टवेयर ओपन होने के बाद आपको अपने फाइल में जाना है। फाइल में जाने के बाद यहाँ एक ऑप्शन आता है क्रिएट गेम फ्रॉम ISO, इस पर क्लिक करेंगे और जहाँ पे हमारी गेम है, जहाँ हमने डाउनलोड कर रखी है, एक्सट्रैक्ट कर ले रखी है, वो स्टोरेज हमको इसमें से सिलेक्ट कर लेना है। तो डी फाइल में है हमारी गेम है, हमने सेलेक्ट कर ली, और फोल्डर जो है हमारा वो है PS2 गेम्स, इसको ओपन कर लिया। ये रही हमारी सारी ISO फाइल्स जो हमने एक्सट्रैक्ट किया है। जब तक आप एक्सट्रैक्ट नहीं करेंगे तब तक ये लिस्ट आपको शो नहीं होगी। तो आपको गेम को एक्सट्रैक्ट करना है, उसके बाद ही ये लिस्ट शो होगी। तो यहाँ से मैं गेम डाल लेता हूँ, दो गेमें डाल लेता हूँ, बैंटन और रेड डेड रिवॉल्वर। ये दो गेमें मैं अपने में डालता हूँ, PS2
प्ले स्टेशन की स्टोरेज में, और फिर आपको मैं रन करके दिखाऊंगा टीवी पे या गेम में। आपको एक हार्ड ड्राइव अपने डेस्कटॉप से कनेक्ट कर लेना है, हार्ड ड्राइव या फिर यूएसबी या पेन ड्राइव, जिसमें भी आप गेम डालना चाहते हैं। तो मैंने कनेक्ट कर रखा है, ये देखिए लोकल डिस्क जी, ये मेरा हार्ड ड्राइव है जिसमें मैं गेम अपनी ट्रांसफ़र करूँगा। जहाँ पे आपकी गेम एक्सट्रैक्ट हुई है वो है डी फाइल, जिसमें आपको गेम डालनी है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, जो है मेरी जी फाइल, जी फोल्डर है, ठीक है। ये हमारा कंप्यूटर का स्टोरेज है, ये हमने अलग से बाहर से स्टोरेज लगाया है, हार्ड ड्राइव या पेन ड्राइव, ठीक है। यहाँ से हम गेम सेलेक्ट कर लेंगे, मुझे डालनी है बेन 10, डबल क्लिक कर लूँगा जो गेम मुझे डालनी है, और उसके बाद यहाँ फोल्डर जहाँ मुझे गेम को डालना है, तो मैं यहाँ कुछ सेलेक्ट नहीं करूँगा, बस मैंने स्टोरेज सेलेक्ट कर ली है कि जी स्टोरेज है, और मैं अपने गेम को क्रिएट कर लूँगा, ट्रांसफ़र कर लूँगा। बेन 10 एलियन फोर्स जो हमने अभी ISO फाइल हमारी कन्वर्ट हुई है, इसको इस पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ आपका नाम लिख के आ जाएगा, बेन 10 जो भी फोल्डर है, उसके बाद सिंपल क्रिएट पे क्लिक कर देंगे और यहाँ आपका गेम ट्रांसफ़र होना शुरू हो गया आपके USB या पेन ड्राइव या हार्ड ड्राइव, जो भी आपने अपने कंप्यूटर से कनेक्ट कर रखा है उसमें आपकी गेम ट्रांसफ़र होना शुरू हो गई है। ट्रांसफ़र होने के बाद मैं दिखाऊंगा भी वो गेम कहाँ को है, तो इसमें थोड़ा प्रोसेस में टाइम लगता है, तो हम इसको देखते हैं। मैं दो चार बातें और बता देना चाहता हूँ, जो हमारे चैनल से नए जुड़े हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए, और मैं प्ले स्टेशन पे गेम्स वीडियोज़ बनाते रहता हूँ, तो हमसे जुड़े रहें और PlayStation 2 के नए ट्रिक्स सीखते रहें। जिन्होंने जिनके पास डेस्कटॉप नहीं है लेकिन एंड्रॉयड फ़ोन है, वो भी अपने एंड्रॉयड फ़ोन की हेल्प से गेम को अपने PlayStation में डाल सकते हैं। इस पर मैंने पहले ही एक वीडियो बना रखी है, मैं सजेशन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, आई बटन आपको ऊपर दिख रहा होगा उस पर क्लिक कर लेना है, वहाँ से आप उस वीडियो पे चले जाएंगे जहाँ से आपको पता लगेगा कि फ़ोन्स की हेल्प से कैसे PS2 गेम्स डालते हैं। सिंपली मैं बता देना चाहता हूँ एक और चीज़ कि चाहे फ़ोन हो, फ़ोन की लिमिट होती है 4.25 GB, इससे बड़ी गेम आप उसमें कॉपी नहीं कर सकते हैं। तो और जो कंप्यूटर का है, इसमें आप कितनी भी बड़ी फाइल गेम की हो, ये आराम से कॉपी हो जाती है, ट्रांसफ़र हो जाती है और गेम रन शुरू हो जाती है। अगर आप फ़ोन में ऐसा करते हैं तो फ़ोन में ऐसा कुछ नहीं होता है, सिर्फ 4.25 GB तक की ही गेम आप उसमें रन डाउनलोड करके ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उससे बड़ी फाइल ट्रांसफ़र नहीं होती है फ़ोन के अंदर। तो मैंने बता दिया है ये दो डिफरेंस होते हैं, इसीलिए लोग कंप्यूटर से गेम डालते हैं, बड़ी बड़ी जो गेमें होती हैं, और अगर 4.25 GB से कम बड़ी कम फाइल है तो आप फ़ोन से डाउनलोड करके उसको चला सकते हैं। मैंने फ़ोन का प्रोसेस भी पूरा बता रखा है आपको, वहाँ पे आप जाके मेरे चैनल पे जाके आप उसको देख सकते हैं वो वीडियो। तो हमारा गेम ट्रांसफ़र होने वाला है, लगभग 86% 88% हो चुका है, और ट्रांसफ़र होने के बाद मेरी गेम की लिस्ट आएगी, जो जो मैंने अपने हार्ड ड्राइव में गेम डाली हुई है उनकी लिस्ट आ जाएगी, उनके साथ ये भी लिस्ट आ जाएगी। एक प्रॉब्लम और होती है इस सॉफ्टवेयर में, देखते हैं वो प्रॉब्लम इसमें आती है कि नहीं, अगर नहीं आती है तो उसके बारे में बाद में बात करें, ठीक है। प्रॉब्लम आई है, यहाँ लिखा है आपको दो चीज़ें सीखने को मिल रही हैं, या तो आपके सामने ये लिख के नहीं आता है, सिंपल गेम लिख के गेम एक्सट्रैक्ट हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास ऐसा कुछ लिख के आता है, गेम्स विद एरर्स ट्राई टू रिकवर रिस्टोर स्लॉट्स, तो आप इसको इस एरर को कैसे सॉल्व करेंगे? दो बातें इसमें सीखने को मिल रही है, किस्मत अच्छी है आपकी कि गेम में एरर आया है। तो इस एरर को कैसे सॉल्व करना है मैं आपको बता देता हूँ। सिंपल, हम इसको क्लोज कर लेते हैं, इसको भी क्लोज कर लेते हैं। यहाँ देखिए MAL लिख के है, बेन 10 एलियन फोर्स विल गैक्स एट MAL, तो मतलब बाकी गेम्स में देखिए स्टेटस क्या है, गुड 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 गुड, और सिर्फ इसमें लिख के आया है MAL, मतलब कोई एरर है, कोई फोल्डर कुछ ऐसा एरर आया है इसमें जो गेम को ट्रांसफ़र तो कर रहा है लेकिन वो रन नहीं करने देगा हमारे PlayStation में। तो इस एरर को कैसे सॉल्व करना है, या तो अच्छा आपको कैसे पता लगेगा कि ये गेम रन नहीं हो रही है? आपके जब आप गेम को रन करेंगे ये ओपन तो हो जाएगा लेकिन एक ब्लैक स्क्रीन आ जाएगी या वाइट स्क्रीन प्रॉब्लम आ जाएगी, इस तरह की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, और मैंने देखा है यूट्यूब पे कई लोग बताते हैं ब्लैक स्क्रीन प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व करो वैसे सॉल्व करो, तो ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप फ़ोन से गेम डाल रहे हैं तो 4.25 GB से बड़ी है तो वो ब्लैक स्क्रीन प्रॉब्लम आएगी, अगर कंप्यूटर से डाल रहे हैं और ऐसा कुछ एरर आ रहा है तो ब्लैक स्क्रीन प्रॉब्लम आ जाती है। तो उस पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, मैं सिंपल बताता हूँ इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको यूटिल्स पे आना है, UTILS जो ये लिखा है ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे, रिकवर गेम लिखा है, हमको गेम को रिकवर करना है, रिस्टोर करना है, तो हम रिकवर पे क्लिक करेंगे और हमारी गेम रिकवरी होना शुरू हो जाएगी। ये जो फाइल है
ओके हमारी जी फाइल में गेम है, और जो गेम हमारी गई है वो है, देखते हैं। ओके, इसको कैंसिल करेंगे हम। यूटिल्स लिस्ट ऑफ रिकवरी व्यू एडिट फाइंड गेम्स पैच पीएसटू ऑप्शन स्ट्रक्चर वीडियोस स्टोर गेम। ओके, मैं गेम दोबारा बैन 10 के डालता हूँ और वो एरर फिर आएगा, फिर मैं बताता हूँ आपको कैसे सॉल्व करना है। वो एरर मैंने सॉल्व कर लिया था, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैं दोबारा, मैंने उस गेम को दोबारा डिलीट किया है, अब मैं दोबारा दिखाता हूँ। तो फाइल ऑप्शन पे जाएंगे, फिर हमको वही स्टेप्स लेने हैं। क्रिएट गेम फ्रॉम ISO, ये हमारा डेस्कटॉप का स्टोरेज है जहाँ हमने गेम रखी है, तो डी फाइल में है। और यहाँ पे आ जाएगा हमारा हार्ड ड्राइव का स्टोरेज जो जी जी में है, जी नेम से है। तो यहाँ पे हमारा जहाँ गेम है वो है PS2 गेम्स में बैंटन एलियन फोर्स, यही गेम हम डाल रहे थे, बैंटन एलियन फोर्स विल गेट्स अटैक। तो इस पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ नाम लिख के आ जाएगा, क्रिएट पे क्लिक कर लेंगे। ओके, तो फिर से वही प्रोसेस है, गेम को क्रिएट किया जा रहा है। मैंने सोल्व कर लिया था इसे, थोड़ी देर के लिए वीडियो मैंने पॉज कर दिया था और मैं उसको सोल्व करने में लग गया था, तो सोल्व हो गया ये। लेकिन मैंने फिर से उसे डिलीट करके दोबारा मैं ये प्रोसेस कर रहा हूँ, ताकि ये एरर अगर आपके साथ आता है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे आप, इसलिए मैंने इसके द्वारा वो किया। तो प्रोसेस सिंपल सा था, लेकिन थोड़ा हम भटक गए थे, लेकिन अब सॉल्व हो जाएगा ये। बाकी चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जो नए बंदे आए हैं प्लीज़ यार, चाहे आप वीडियोस देखते हैं चैनल नहीं सब्सक्राइब करते, चैनल को सब्सक्राइब करें। ये थोड़ा कॉपी हो जाए जल्दी से, तो हम करते हैं। ये गेम हमारी ट्रांसफ़र हो रही है हमारे कंप्यूटर के स्टोरेज से और हमारे हार्ड ड्राइव के स्टोरेज में, तो यही लास्ट स्टेप है। इसके बाद हम गेम को अपने प्ले स्टेशन में डालेंगे और रन करके मैं दिखाऊंगा आपको, यही गेम बैंटन एलियन फोर्स विलगेक्स अटैक। तो सिंपल सा प्रोसेस है, आप हमसे जुड़े रहें, बस कॉपी करने में थोड़ा टाइम लगता है, गेम जितनी बड़ी होगी उतना टाइम लगेगा। 53%। बाकी जिनके में ब्लैक स्क्रीन प्रॉब्लम आती है, वाइट स्क्रीन प्रॉब्लम आती है जिनके प्ले स्टेशन में, वो प्लीज़ यार अपने गेम को गेम में देखिए, गेम में कोई एरर हो सकता है इसीलिए वो स्क्रीन प्रॉब्लम आती है। बाकी यूट्यूब में इतना फलाना ढिंकाना दिखा रखा है कि ये बटन दबाओ वो बटन दबाओ, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। गेम में प्रॉब्लम हो सकती है, गेम को डिलीट करिए, दूसरी गेम चला के देखिए। सभी गेमों में अगर आ रहा है एरर, तो मैंने इस पर वीडियो बना रखी है, हाउ टू सॉल्व ब्लैक स्क्रीन प्रॉब्लम, वो आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। अगर सभी गेमों में ये प्रॉब्लम आ रही है तब, अगर एक दो गेमों में आ रही है तो मतलब उस गेम में कोई प्रॉब्लम है। बाकी जिनको फ़ोन से गेम डालनी है वो मैंने पहले बता दिया है कि चैनल पे जाइए, मैंने वो भी बता रखा है कि फ़ोन से कैसे गेम आप डाल सकते हैं। 89% हो गया, 90% हो गया, 100% भी हो ही जाएगा, फिर से वही एरर आएगा और हम उसको सॉल्व करेंगे। दो चीज़ें आपने सीखी है, गेम डालना और एरर सॉल्व करना। ओके, एरर आ चुका है, हम इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए सिंपल, इसको क्लोज करते हैं, इसे भी क्लोज करते हैं। वही एरर आया है, यहाँ गुड 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 लिखा है और MAL, मतलब कोई एरर है इस गेम में और ये गेम चलेगी नहीं। सबसे पहले आपको यूटिल्स पे जाना है। ओके, सबसे पहले हम इसमें से इससे बाहर आएंगे, चलिए यूटिल्स पे जाते हैं, रिकवरी गेम्स पे क्लिक करते हैं। हमारी जहाँ गेम है वो है जी फाइल। ओके, जी फाइल पे आ गए हम। जी फाइल हमारी वो फाइल है हार्ड ड्राइव वाली, क्योंकि जो हमने हार्ड ड्राइव में गेम ट्रांसफ़र किए वहाँ पे एरर आया है। तो एरर आने के बाद यहाँ एनालाइज का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ हमको अपनी हार्ड ड्राइव या पेन ड्राइव जो भी कनेक्ट कर रखा है वो सिलेक्ट कर लेना है आपने, और एनालाइज का ऑप्शन आ रहा है, एनालाइज करते हैं। सिंपल, एनालाइज हुआ है, रिकवर हुआ है एक गेम, एक ही गेम में एरर था हमारा, ठीक है। इसको क्लोज कर देते हैं और यहाँ पे लोड पे क्लिक कर देंगे, लोड कर लिया हमने। ओके, हमारी गेम जो है वो रिकवर हो चुकी है। देखिए ये जो गेम जीरो लिखा है ना, यही हमारी रिकवरी फाइल है। ओके, आप इसका नेम चेंज कर सकते हैं, नेम कैसे चेंज करते हैं मैं दिखा देता हूँ। यहाँ रीनेम का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करेंगे। ओके, रेजिडेंट इवल 4 का गया, इसको कैंसिल करते हैं। ओके, ये रहा गेम जीरो लिखा है, यही हमारी बेंटन विलगैक्स की असली वाली फोल्डर है। बाकी ये जिसमें एरर आया था इसे हम डिलीट कर देंगे। डिलीट करने से पहले इस गेम का हम नेम चेंज करेंगे, तो रीनेम पे क्लिक करते हैं, बैक स्पेस दबाया हमने, यहाँ लिखेंगे जो जो ऊपर गेम का नाम है वही नाम लिख देंगे। बैन 10
एलियन, ओके एलियन, फोर्स। सो मैं इतना ही नाम लिखूंगा, ज़्यादा बड़ा नाम नहीं लिख रहा। एलियन फोर्स हमने इतना डाल दिया, सो इसको रीनेम कर दिया हमने, चेंज कर दिया। ओके एस एल यू एस फाइल बन के आ गई है, यहाँ पे गुड लिखा हुआ आ गया। एस एल यू एस फाइल हमारी गेम रन कर जाएगी प्ले स्टेशन में, पूरा रन करके दिखाऊंगा, बीच में नहीं छोड़ने वाला। सो जिसमें एरर आया था उसे डिलीट कर लेंगे। इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, हम डिलीट कर देते हैं इसको। ओके ये डिलीट हो चुकी है, बेन 10 एलियन फोर्स हमारा जो रीनेम किया था हमने, ये हो चुके हैं। सो इस तरह से आप गेम को ट्रांसफ़र करते हैं। एरर आता है तो इस तरह से सोल्व कर लेना है, उसको रिकवरी ले लेनी है। उसके बाद हम चलते हैं अगले स्टेप से, अपने प्ले स्टेशन में कनेक्ट करते हैं हार्ड ड्राइव को और गेम रन करके आपको मैं दिखा देता हूँ। सो ये प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो चुका है, यहाँ से कैंसिल कर देना है। सब प्रोसेस हो गए, अब चलते हैं अपने प्ले स्टेशन पे। ओके हमने प्ले स्टेशन 2 को कनेक्ट कर लिया है। ये मेरी हार्ड ड्राइव है जिसमें मैंने गेम डाला है, और ये है मेरा प्ले स्टेशन। और अभी मैंने इसे ओपन की नहीं किया है, अभी देखिए रेड लाइट जल रही है, और ये रही हमारी स्क्रीन। ओके यहाँ हमारी गेम चलेगी। सो हम इसे ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के लिए मैं रीसेट बटन को क्लिक करता हूँ। सो ग्रीन लाइट आ गई है, गेम हमारे प्ले स्टेशन स्टार्ट हो चुका है। सो देखते हैं हमारी गेम रन करती है कि नहीं। ये हमारा रिमोट, गेम को रन करेंगे इससे। सो गेम लिखी हुई नीचे आ चुकी है, देखिए रेजिडेंट ईवल 4 है और सबसे लास्ट में है बेन 10। तो मैं इसको स्टार्ट करके दिखा देता हूँ सबसे पहले बेन 10 को। और ये सभी गेमें मैंने यूएसबी यूटिल से डाली है, और फ़ोन से भी मैंने गेमें डाली हैं इसमें। सो गेम रन हो रही है, लेट्स सी। मैं पूरा प्रोसेस, मेरी सभी वीडियोस पे मैंने अपना पूरा प्रोसेस बता के दिखाया है, जेन्युइन वीडियोस हैं, कोई गलत वीडियो नहीं है। सो गेम हमारी स्टार्ट हो चुकी है, मेमोरी कार्ड को चेक कर रहे हैं। सो मेमोरी कार्ड है हमारे पास, ये इस पर क्लिक कर देते हैं। ये हमारी सेविंग हो रही है डाटा। तो गेम स्टार्ट हो चुका है हमारा, आप देख रहे हैं गेम को चलते हुए। सो गेम तो स्टार्ट हो गई है यार, पर चैनल तो लाइक कर दो, वीडियो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, उन्हें भी बताओ गेम कैसे डालनी है। तो मैं पूरा आपको वीडियो लगा के दिखाऊंगा, बीच में कहीं भी गेम अटकेगी नहीं, पूरी स्टोरी मैं आपको दिखाऊंगा गेम की। ये देखिए, सो मैं इसे स्किप कर देता हूँ, कार्टून नेटवर्क। ओके ये हमारी गेम स्टार्ट हो चुकी है पूरी, यहाँ थोड़ी देर हमारा इंट्रो चलेगा, गेम का इंट्रो। सो मैं इसको स्किप कर देता हूँ, लेट्स सी। ओके ये रहा हमारी गेम रन हो चुकी है, बेन 10 एलियन फोर्स विल गेट अटैक। सो एक्स कंटिन्यू, एम्प्टी न्यू। सो मैं नेम दे देता हूँ यहाँ पे, कोई भी नेम दे देता हूँ, ए नेम दे देता हूँ। ओके एंटर। ओके सो गेम रेडी। सो ये साउंड आ रही है यार, साउंड की वजह से मैं साउंड बंद कर देता हूँ, नहीं तो कॉपीराइट के प्रॉब्लम आ सकती है। तो मैं साउंड को बंद कर रहा हूँ कॉपीराइट की वजह से। तो कॉपीराइट आ जाएगी चैनल पे तो वीडियो आपको दिखेगी भी नहीं, क्या फ़ायदा। तो ये गेम हो चुकी है, मैं थोड़ा साउंड खोलने की कोशिश करता हूँ इसको, कॉपीराइट ना आए बस। ओके। विलगैक्स किससे पा रही है ये? Now, at long last, the earth will be mine. So
तो ये गेम हमारी चल चुकी है, मैं थोड़ा स्टोरी में चला गया था, तो आप भी इस गेम के मज़े ले सकते हैं। मैंने पूरा प्रोसेस बताया, बाकी किसी को कोई दिक्कत आ रही है या कोई एरर आ रहा है प्ले स्टेशन में वो मुझे कमेंट करके बता सकता है, पूछ सकता है। ऑफ बैंड टेनेशन, ओके। तो गेम स्टार्ट हो चुकी है यहाँ से, अभी भी स्टोरी चल रही है। ओके मैं सोच रहा हूँ स्टोरी की वीडियो पूरी रहने दो। Future, it will be good to have seen you before. Time travel can make verb tenses so very confusing. When are we now, anyway? Vilgax is invading the Earth. Ah, splendid. Then I'm just in time to warn you that now is not the right time to use Alien X. What? Well, then when should I... Professor? Where did he go? You mean, when did he go? Does it matter? Vilgax is still invading. We've got to do something. Any time now, Tennyson. We'll be able to defend more ground if we split up. Go! It's hero time. Okay, तो हमारी गेम चल चुकी है, अब मैं इसे काटता हूँ। आप इंजॉय करिए, प्रोसेस फॉलो कीजिए और गेम चलाइए। थोड़ा मैं रन करके भी दिखा देता हूँ आपको कि गेम, ये गेम ही है कि आप फिर सोच रहे होंगे वीडियो पूरी प्ले स्टेशन चल रही है मेरी यहाँ पे और गेम रन हो रखा है। ये देखिए गेम पूरी चल रही है। ओके थैंक यू, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू, कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं।